आप सभी दर्शकों को टाइम न्यूज परिवार की ओर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बरनगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के फरार बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शुक्रवार को बरनगर इलाके में 20वीं बार छापेमारी कार्रवाई की, लेकिन दुष्कर्म में फरार आरोपी करण पुलिस के हाथ नहीं लगा है। मोरवाल पर इंदौर पुलिस द्वारा पहले 5,000 के इनाम घोषित किए गए थे, लेकिन अब इनाम की राशि बढ़ाकर अब 15,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। करण मोरवाल की संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक और आवेदन कोर्ट में जल्द लगाया जाएगा, जिससे कि आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ सके। गौरतलब है कि इंदौर जिला न्यायालय द्वारा 28 सितंबर तक कोर्ट के सामने पेश न होने की सूरत में करण मोरवाल की संपत्ति को कुर्क करने की JMFC कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। लंबे समय से फरार आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। आदेश खारिज होने के बाद से ही पुलिस की कई टीम अलग अलग शहरों में जाकर करण की तलाश कर रही है। कल भी इंदौर पुलिस की एक टीम करण के बड़नगर स्थित निवास पर पहुंची थी, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस को आशंका है कि देश छोड़ भाग सकता है आरोपी करण, जिसके लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करने पर पता चला करण का पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है, इसलिए नेपाल भागने की ज्यादा संभावना है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस बॉर्डर पर निगरानी रख रही है। वहीं फरारी के दौरान फरार आरोपी करण मोरवाल की मदद करने वाले मददगारों पर भी पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जी, आपको तो शुरू में पता ही है कि अपन ने उसके ऊपर काफ़ी प्रयास उसकी गिरफ्तारी किए, नहीं मिला तो 5,000 रुपये का इनाम भी उसके ऊपर घोषित किया था। अब हम महिला थाना इंदौर की टीम, क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम, दोनों शामिल रूप से काफ़ी प्रयास कर रही है कि हम उसके हर संभावित स्थान पर हम दबिश दे रहे हैं, लेकिन वो बच के निकल रहा है। इसमें हमें लोकल थाना बड़नगर का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम सभी मिलकर उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका इनाम बढ़ाकर 15,000 रुपये भी कर दिया गया है। और जो भी हमें सूचनाएं मिल रही हैं उसके जहां भी होने के हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच के उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, माननीय जिला न्यायालय के द्वारा कोर्ट की हेतु 28 सितंबर एक डेट दी गई थी कि अगर आरोपी उस दिनांक तक प्रस्तुत नहीं होता तो उसके नाम से जो भी संपत्ति हम लोगों ने कलेक्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी उसकी कुर्की की जाएगी। लेकिन इस बीच में ही उसने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक याचिका लगाई थी और उस पर से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लोअर कोर्ट का जो आदेश था वो डिसमिस किया गया। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रक्रिया रुक गई है, हम लोग पुनः उस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। और उसके ऐसा बीच में आ रहा था कि वो कहीं बाहर जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं, हमने वो प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग यथासंभव सारे प्रयास कर रहे हैं। लुकआउट नोटिस जो जारी होता है उसके लिए पासपोर्ट की नीड होती है और पासपोर्ट उसका है नहीं, तो हम लोग दूसरी प्रक्रिया कर रहे हैं और दूसरी प्रक्रिया हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल पुलिस ये प्रयास करेगी वो कहीं भी इधर उधर ना हो। विधायक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आप लोग के सामने नहीं ला सकती, उस पर से पुलिस गोपनीय रूप से कार्य कर रही है। विश्वास करिए, आप लोगों का सहयोग हमें हमेशा मिला है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मिले। थैंक यू सो मच। मदद करने में कोई कार्रवाई होगी क्योंकि लगातार फरार चल रहा है। देखिए, आगे जैसी भी चीज़ विवेचना के अंतर्गत आएगी वो जरूर से होगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर।